वहीं जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जा हटाने पर हंगामा और बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। जम्मू के सुजान हाईवे के पास भटिंडी में प्रशासन की टीम अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंची थी। बुलडोजर कब्जा हटाने के लिए मौके पर था, पर इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोग इस कार्रवाई से नाराज होकर कब्जा हटाने आए बुलडोजर पर पत्थर फेंकने लगे। बड़ी तादाद में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम भी कर दिया। हालात को देखते हुए फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी प्रशासनिक टीम, और प्रशासनिक टीम को इलाके के लोगों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। इस बीच लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी भी की, अवैध कब्जा हटाने पर हंगामा और ये बवाल इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू के सुजान हाईवे के पास ये पूरा मामला सामने आया जहां पर प्रशासन की टीम अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंची थी। बुलडोजर कब्जा हटाने के लिए मौके पर लगाया गया था, पर इस दौरान स्थानीय लोगों ने वहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया। लोग इस कार्रवाई से काफ़ी नाराज हो गए और नाराज होकर कब्जा हटाने जो बुलडोजर वहाँ पर आया था उस पर पत्थर वो फेंकने लगे। ये तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तो प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम भी कर दिया और इन हालातों को देखते हुए फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। कब्जा हटाने जम्मू कश्मीर में बुलडोजर वहां पर पहुंचा था सुजान हाईवे के पास, जिस बीच ये हंगामा हुआ और बड़ा बवाल खड़ा हो गया। बुलडोजर कब्जा हटाने के लिए मौके पर पहुंचा था, लेकिन इस कार्रवाई से जो स्थानीय लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज नजर आ रहे थे, और इस बीच उन्होंने कब्जा हटाने जो बुलडोजर आया था उस पर पत्थर फेंके और वो पत्थर फेंकने लगे, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौके पर पहुंचे, इकट्ठा हुए और इस कार्रवाई से नाराज होकर बुलडोजर पर पत्थर फेंकने लगे और नारेबाजी भी उन्होंने शुरू कर दी। जम्मू के सुजान हाईवे के पास भटिंडी एक जगह है, वहाँ पर आरोप यह है कि ये इलाके में अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा था, जिसको हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।